हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फिलहाल का सीन अभी ये है कि अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और हम निकले बाइक राइड पे। बाइक राइड पे नहीं निकले, सुबह सुबह मुझे थोड़ा सा काम था तो मैं वो काम पूरा करने गया था। काम क्या है वो मैं आपको अभी घर पे जाके बताऊंगा। तो गाइस अभी का सीन कुछ ये हमारी बाइक, हम पहुंच गए घर, तो चलिए अंदर चलते हैं। ब्लॉग अरे बहु बनाव छे, एक तो अपलोड करी दीधो, आज 8 વાગે આવશે। तो गाइस अभी ये इनका टेबल फैन ये लेने आए हैं और ये हमारे सामने ही रहते हैं। इनका नाम है महेंद्र अंकल और ये पारू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है BBA में। चेहरा तो दिखा दो, देख ले बेटा है ना। और ये हमारा गिफ्ट है। चलो मालूम बेटा। हाँ गर्मी वधी नहीं मम्मी जो ये। हाँ सो गाइस अभी अपन घर पे और हमेशा की तरह मैं टेरेस पे ही हूँ, आपको पता होगा। और आज एक अच्छी बात पता है क्या है, ये काम आज बंद है सो अपन आज अच्छे से ब्लॉग कर पाएंगे। तो मुद्दे पे आते हैं, मैं इतनी सुबह गया था कहाँ पे, तो मैं गया था अपने मामा के घर पे जो इधर पास में ही रहते हैं, ऑलमोस्ट 7 मिनट लगती है उनके घर पे जाने के लिए बाइक से। मैं क्यों गया था, तो सुबह 7:30 बजे उनका मुझे कॉल आया कि उनको कहीं पे अर्जेंट बाहर जाने का है और उनका जो सिम कार्ड है वो पता नहीं ब्लॉक हो चुका है, पता नहीं क्या पंगा है, बैलेंस भी करवाया था और पता नहीं क्या हुआ लेकिन ब्लॉक हो चुका है। तो मेरे पास 2 सिम रहते तो मैं अपना 1 सिम उनको अभी दे के आया और हमने अब रिक्वेस्ट डाली है कि हमारा सिम क्यों बंद हुआ है, अभी देखते हैं अपना प्रॉब्लम कब तक सॉल्व होता है। और गाइस अभी बज रहे सुबह के 9, सो चलिए देखते हैं आसपास का क्या सीन है। बस चारों तरफ मकान ही मकान है, कहीं पे भी मुंडी घुमा लो घर ही दिखेंगे और कुछ दिखेगा ही नहीं, शहर में तो यही रहता है दोस्त। गांव में अच्छा है, जब भी मैं गांव जाता हूँ मुझे वहाँ पे बहुत मज़ा आता है और मुझे तो गांव में ही रहना अच्छा लगता है क्योंकि पहली बात तो ये है कि वहाँ पे ग्रीनरी है और वहाँ पे खुला खुला लगता है, यहाँ पे तो बस मकान मकान मकान, कहीं पे भी देखो इधर मकान बस घर ही घर।
देखते चलो कोई बात नहीं, अभी इधर भी रह रहे हैं। पर गांव में कॉलेज नहीं है और मेरी कॉलेज इधर है, सो और फैमिली भी सारी इधर रहती है, गांव में कोई रहता ही नहीं। सो अभी अपन जाते हैं नीचे, थोड़ा नहा भी लेते, नहाने के बाद आपसे मिलते। सो गाइस अभी मैंने नहा लिया है और अभी बजे है 11:30। सो अभी करते हैं थोड़ी साफ़ सफाई रूम की। मैं ज़्यादातर ड्राइंग रूम में होता हूँ, तो हम लोगों ने ऐसा किया है कि जो जिस रूम में ज़्यादा रहता हो वो उस रूम की साफ़ सफाई करेगा। तो आज मैं करूँगा ड्राइंग रूम की साफ़ सफाई, क्योंकि मैं ज़्यादातर इसी रूम में होता हूँ। मेरा अलग से रूम है पर मुझे वहाँ पर अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं इस रूम में रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। ये है मेरा हथियार, तो चलिए हथियार का इस्तेमाल करते हैं थोड़ा बहुत। उठाई के झाड़ू सफाई वाला, उठाई के झाड़ू सफाई वाला, मिल जाए मंत्र स्वच्छता वाला, फिर हम ऐसे करे कमाल, दुनिया दे फिर अपनी मिसाल। मैं गंगा किनारे वाला, मैं साफ सफाई वाला। राम दुआई इतनी गंदगी क्यों फैलाए, हाय हाय। अब जरूरी सफाई, अपना कूड़ा हम खुद ही उठाए, हाय। खुद को जब बदलोगे देश तभी बदलेगा, हाय। खुद को जब बदलोगे देश तभी बदलेगा, इज्जत होगी अपनी देश तभी चमकेगा, फिर ना उठेगा, फिर ना उठेगा हम पे सवाल, गंगा किनारे वाला। सो गाइस मिशन रूम क्लीनिंग इज अकम्प्लिश, सो नाउ आई एम थिंकिंग टू वॉश माई व्हीकल्स, सो लेट्स गो एंड वॉश इट। क्योंकि देखिए हम हर रोज नहाते हैं, तो व्हीकल को भी नहलाना चाहिए, तो चलिए चलते हैं। सो गाइस ये है मेरी बाइक, जैसे कि आप देख सकते हैं ये बहुत ही धूल वाली है, क्योंकि बहुत दिन से मैंने ये नहीं चलाई, और आज सुबह जैसे मैं लेके गया था तो मैंने सोचा कि चलिए आज इसे साफ कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस अभी हमने बाइक को अच्छी तरह से नहला दिया है, और नहाने के बाद बाइक एकदम नए दूल्हे की जैसी लग रही है। जैसा कि गाइस हम हर रोज नहाते हैं, तो वी शुड हैव टू टेक केयर ऑफ आवर व्हीकल्स, एटलीस्ट वी हैव टू वॉश देम ट्वाइस ए मंथ। तो चलिए अभी इसको पार्क करते और बाद में आपसे मिलते हैं। गाइस बाइक हमने उसकी जगह पे पार्क कर ली है, और अभी कुछ ऐसा हुआ गाइस, मैं शांति से टीवी देख रहा था और मम्मी ने मुझे 4 से 5 बार बोला कि स्टडी टेबल पे से कपड़ा हटा के अपनी अलमारी में रख दे। सो मैंने बोला कि हाँ रखता हूँ। फिर अचानक से पता नहीं कैसे मम्मी का हाथ आया और मेरी पीठ थी। आगे का आपका पता चल गया क्या हुआ होगा। तो मैंने फिर सोचा कि चलो अभी तुरंत ही रख देते हैं, वरना तो मैंने जाके अलमारी में कपड़े रख दिए। फिर मम्मी चेक करने गई अलमारी कि इसने सच्ची में रखे, तो मैंने तो सिर्फ ऐसे रख दिए थे। तो फिर से मम्मी ने बोला कपड़े हैंगर में टिंगा। सो बाद में मैंने
गाइस ये मेरा रूम है, फिर बाद में मैंने अपने कपड़े हैंगर में रखे अच्छे से। पहले ना मैंने सारे इधर ही रख दिए थे, ये जो आयरन करे हुए शर्ट है वो मैंने इधर रख दिए थे। फिर मम्मी ने बोला कि ठीक सा लगा, वरना पीठ पे एक और आ सकती है, तो मैंने बोला एक और से अच्छा रख देते हैं। आज खाने में मम्मी ने बनाया है रोटी, राइस, भिंडी की सब्जी, दाल और सबका फेवरेट आमरस। और खाना खाते खाते हम देखेंगे टीवी, जेठालाल चंपकलाल गड़ा। तो चलिए खाने के बाद फिर से मुलाकात होगी। हेलो फ्रेंड्स, सो अभी बज रहे दोपहर के 5 और मैं बहुत ही बोर हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा म्यूजिक बजाते हैं। सो आई एम गोइंग टू प्ले ए सॉन्ग इन कैशियो, सो लेट्स प्ले गाइस। So guys, let's play the second one, and you should have to comment and answer which two songs are this. So let's play. So guys, I am including the third song also. So now you have to comment and answer which three songs are these. Thus, this will be the last one. So let's play. सो गाइस, फिलहाल हम अभी इस ब्लॉग का एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।